हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप का जो बर्थडे वीडियो एडिटिंग करने वाला हूँ। आपको भी इस टाइप का बर्थडे वीडियो एडिटिंग करना चाहिए जो 3D बर्थडे वीडियो, बहुत भाई लोग कमेंट किया था 3D बर्थडे वीडियो लाओ, 3D बर्थडे वाले, इसलिए मैंने 3D बर्थडे वीडियो बनाया आपके लिए। तो थोड़ा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको चैनल पर हर दिन देखने को मिलेगी। दोस्तों पहले आपको क्या करना, प्रीव्यू देख लेते हैं, उसके बाद आपको आगे क्या करना सब कुछ मैं बताता हूँ। ओके, लास्ट तक प्रीव्यू। ओके, ओके दोस्तों, आप लोग प्रीव्यू देख लिया, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कर बताइए, और अभी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, प्लीज लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन का जो पूरा जिसका नाम है एलोमेशन, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको डाउनलोडिंग कर लेना है उसके बाद आपको 2% लिंक मिल जाएगा, सिंपली मेरे व्हाट्सएप पर जाकर आपको इनपुट कर लेना है। रिसेंटली कैसे इनपुट नहीं पता तो ऑलरेडी बोला वीडियो बना कर लिया, आप चाहे वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो चलो स्क्रीन रखकर ऑन करके आपको आगे क्या करना सब कुछ मैं बताता हूँ। ओके ओके तो दोस्तों, मैंने देखो स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्या करना प्रोजेक्ट में आ जाना है, और फुल प्रोजेक्ट और रिलेकर प्रोजेक्ट ये 2 प्रोजेक्ट मिल जाएगा, सिंपली मेरे व्हाट्सएप पर जाना है और आपको इनपुट कर लेना। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना रिलेकर प्रोजेक्ट इस तरह आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ आपको क्या करना सेलेक्ट ऑल करना है। ओके, सेलेक्ट ऑल करके आपको जो कॉपी 6 लेयर करना है, और आपको बैग आ जाना है, बैग आ जाना है, और आपको सॉरी आपको फुल प्रोजेक्ट ओपन करके यहाँ पर आपको फुल प्रोजेक्ट ओपन करना है, और यहाँ सिंपल सा पेस्ट करना है। ओके, पेस्ट करने के बाद कैमरा ऑन कर देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, बस आपको कुछ भी करना नहीं है, अपना फोटो यहाँ पर ऐड कर लेना और टेक्स्ट वगैरह जो आपको ऐड कर लेना। ओके, तो यहाँ पर आपको हैप्पी बर्थडे लिखा है, तो यहाँ पर क्लिक करना एडिट टेक्स्ट पर जाना है, और यहाँ पर क्लिक करना व्यू ऑल फोन, क्लिक करके अपना टेक्स्ट जो यहाँ पर ऐड कर लेना। ओके, जो फोन आपको फोन का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आपको डाउनलोड करना, इनपुट फोन करके आपको यहाँ जो भी फोन होगा आपको इस तरह क्लिक करना। ओके, तो फोन ऐड हो जाएगा, ऐड करने के बाद आपको बैग जाना है, उसके बाद डन कर लेना है, डन करने के बाद आपको आगे चले जाना, यहाँ से आपको जो फोटो देख रहे हो तो पहले आपको क्या करना प्लस में टैप करना, मीडिया में जाना, और आपको एक फोटो आपको डिमो दिखाने लगे, फोटो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी एक फोटो हम ऐड कर लेते हैं, तो इस वाला फोटो हम ऐड कर लिया, उसका लेंथ को आपको क्या करना लास्ट तक तो इस तरह रख लेना है। ओके, इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, लास्ट तक आपको 27 तक आपको यहाँ पर रख लेना। ओके, उस वाला फोटो आपको क्लिक करना है, और जो फोटो आप रिप्लेस करना चाहते वही फोटो क्लिक करना है, और आपको कॉपी लेयर करना है। ओके, इस तरह कॉपी लेयर करना है, और अभी जो फोटो इनपुट गए थे वही फोटो पर क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाना है, और पेस्ट स्टाइल के नीचे आ जाना है, और सारे ऑप्शन आपको ऑफ करके जो मूव और ट्रांसफर का ऑप्शन है ये वाला आपको ऑन करके पेस्ट करना है। ओके, देखो यहाँ पर फोटो चला गया, उसके बाद थोड़ा इस तरह जूम कर लेना, अच्छे से आपको इस तरह जूम कर लेना। ओके, यहाँ पर 2 फिंगर से आपको पकड़ के पहले वाला फोटो जितना था आपको इस वाला फोटो को भी इतना ही बराबर आपको सेम रख लेना। ओके, तो मैंने रख लिया, उससे तो पहले वाला फोटो क्या करना है इस तरह क्लिक करना, डिलीट करना, कैमरा ऑन कर देख सकते हो, यहाँ पर फोटो भी ऐड हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर फोटो ऐड हो गया। ओके, इसी तरह जो फोटो को आपको ऐड कर लेना। ओके, देखो यहाँ पर फोटो ऐड हो गया, इसी तरह से आपको फोटो वगैरह जो आपको ऐड करना है, और भी एक तरीका फोटो ऐड करने का, तो उसके बाद कैमरा को ऑफ कर लेना, पहले ऑफ करने से आपको अच्छा लगता है तो देखने के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कलर एंड फिल पर जाना है और क्लिक करना है, और डायरेक्ट यहाँ जो फोटो ऐड करोगे डायरेक्ट फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आपको डिमो दिखाने लिए वाला फोटो हम ऐड कर लिया, देखो यहाँ पर डायरेक्ट फोटो ऐड हो गया, कैमरा ऑन करके देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट फोटो ऐड हो गया। ओके, इसी तरह से आपको फोटो यहाँ पर भी ऐड कर लेना है, थोड़ा कुछ आपको एडजस्ट करना पड़ा इस वाला फोटो को, तो क्लिक करना मुझे ट्रांसफर जाना है, इस तरह आपको ऊपर कर लेना है, और आपको अच्छे से अपने हिसाब से आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है। ओके, सारे फोटो आपको सेम नहीं होता, इसलिए अपने हिसाब से ये वाला एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, इस तरह आपको एडजस्ट कर लेना, फोटो वगैरह यहाँ पर ऐड कर लेना है, और नेम वगैरह आपको एडिट कर देना, यहाँ पर टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाना है, ये लोग यहाँ जो नेम होगा आपको ऐड करना है, और डन करके आपको यहाँ पर जाना है, और वीडियो को फुल HD में एक्सपोर्ट कर देना। ओके,